ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या है, आपको कन्वर्जन करना है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, प्रोपीन को आप किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपन वन ऑलमिन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो प्रोपीन मतलब क्या है, तीन कार्बन जहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी बॉन्ड सी, तो एक डबल बॉन्ड हो गया, तो इसलिए ए हो जाएगा सी एच टू, ए हो जाएगा सी एच, और टर्मिनल में ए हो जाएगा सी एच थ्री। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, प्रोपन वन ऑल में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपन वन ऑल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच। देखो ये जो प्रोपीन है, इस प्रोपीन में तुम ऐड करो एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, मतलब एच टू ओ टू हो सकता है परोक्साइड के प्रेजेंस। तो हम लोग जानते हैं परोक्साइड के प्रेजेंस में जब एच बी आर एडिशन होता है, वो एंटी मार्कोव निकोब रूल होता है। एंटी मार्कोव निकोब में जो नेगेटिव पार्ट बी आर माइनस है, वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन में ज्वाइन होता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ब्रोमीन को ओ एच में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, क्यू एच वाटर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक्वास क्यू एच, एक्वास क्यू एच ऐड करोगे तो ब्रोमीन जो है वो ओ एच माइनस में रिप्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच। ओके, नाउ सेकेंड वन, इथानॉल टू ब्यूट वन आइन। चलो पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, इथानॉल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, दिस इज इथानॉल, इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आइन में। तो ब्यूट वन आइन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। सबसे पहले क्या करना है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच को एसओ सी एल टू के साथ रिएक्शन करो, एसओ सी एल टू क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच जो है वो सी एच थ्री सी एच टू सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एल। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट। सेकेंड एसिटिलीन लेना है, एसिटिलीन जानते हो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होता है, इसको रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या हो जाएगा, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, ये हो गया हमारा सेकेंड रिएजेंट। अभी क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड जो रिएजेंट फॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों को रिएक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, इसको रिएक्शन करना है किसके साथ, सी एच थ्री सी एच टू सी एल के साथ। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए डेल्टा नेगेटिव है और कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है, ए वाले जो कार्बन है इसमें अटैक होगा और सी एल बाहर जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी एच थ्री सी एच टू और उसके साथ कौन जुड़ गया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जुड़ गया है और बाई प्रोडक्ट हो गया है इन ए सी एल। तो मिल गया ब्यूट वन आई। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, इसको कन्वर्ट करना है टू ब्रोमो प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री। तो चलो कन्वर्जन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ, के ओ एच एल्कोहल के प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा, के ओ एच एक्वास में हम लोग जानते हैं ब्रोमीन ओ एच में रिप्लेस हो जाता है, लेकिन के ओ एच एल्कोहल क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ से बियर और इसके टर्मिनल से बियर और ए वाला जो कार्बन है मिडिल कार्बन से एक हाइड्रोजन एच बियर होके रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू मिल जाएगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें एच बी आर को ऐड कर देंगे। तो इसमें एच बी आर को ऐड करोगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव निकोब रूल बी आर माइनस जो है वो जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है ए वाले कार्बन में, और एच प्लस जाएगा टर्मिनल में। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सी एच थ्री सी एच बी आर और उसके बाद सी एच थ्री। यही था हमारा डिजायर प्रोडक्ट।